हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं एपिसोड 6 का नेक्स्ट पार्ट। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जाने का मन नहीं कर रहा अभी तक। ना जाए ये जो अंदर की बातें हो रही है ना, आप ये बहुत Thank you.
इधर भी भाई वही हाल है जो तेरा हाल है मेरा। परेशान हो गए यार, ये जो लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं कि कहाँ दिखाई देते हैं। हाँ लक्ष्मण, बेचैन तो हूं। आज मेरे मन की दशा बड़ी विचित्र हो रही है। मेरा मन स्वभाव से ही पवित्र है, उसके शांत जल में जैसे किसी ने कंकर फेंक दिया है, जिससे मन के शांत सरोवर में भावनाओं की लहरें उठती चली जा रही हैं, और हर लहर में सीता की छवि दिखाई दे रही है। चंद्रमा को देखता हूं तो लगता है सीता झांक रही है। ऐसा कैसे हो गया? हम रघुवंशियों का मन तो भूल से भी गलत रास्ते पर नहीं जाता, सपने में भी पराई स्त्री के बारे में नहीं सोच सकता। हो सकता है वो पराई ना हो। हाँ, अभी उनका स्वयंवर ही तो होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो विधाता ही जाने। बिल्कुल। हाँ जी, यार ये मच्छर बहुत है महाराज। यार इधर काट काट के पांव को लाल कर दिया। उर्मिला, सुनंदा ने ठीक ही कहा था कि ऐसे सुंदर और सजीले राजकुमार आज तक नहीं देखे। उनके मुखारविंद की ऐसी शोभा है कि उसके आगे बेचारा चंदा भी फीका लगता है। क्यों जीजी? अरे जीजी से क्या पूछती है, वो यहाँ हो तब ना, तन यहाँ है और मन पुष्प वाटिका में चोरी हो गया है। जब मन ही अपना ना रहे तो तन की सुध-बुध कहाँ रहती है? उर्मिला, वो राजकुमार इतनी सुकोमल है, उनसे वो शिवधनुष उठेगा या नहीं? मंगल उठे, ये चलने दिया कर। हाँ, अब ठीक है भाई, सुना दिया आपने, बोला ये लास्ट पे चलने दे। लेकिन यार बिल्कुल यार, दोनों तरफ जो एक
मैंने ना वो बहुत काफी विचलित हो गया। सुने आप बोले भाई आप क्यों ऐसे चीजें करते हैं? आप भी बोल लें देखिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन यार देखो ना कि किस तरह का एक सीन बन चुका है, एक जो है ना वो मतलब बिल्कुल हर कोई इधर खो गया, हम खुद खो गए इसमें बहुत डीपली जो है ना ये चीजें फील करने फील भी कर रहे हैं। और देखो ना कि एकदम जो है ना वो हर चीज बदल गई है। और अभी जिस तरह बैठे हैं राम जी और लक्ष्मण जी, उनके एक टांगे तो बाहर रहते हैं, तो उस वक्त भी वो उनको समझ नहीं लग रही, वो कह रहे हैं कि कोई पता नहीं लग रहा, हम तो ख्वाब में भी नहीं इस तरह का सोच सकते, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि मे भी आगे जाके कुछ हो जाए, हो सकता है जो है ना वो मतलब एक सीन बन ही जाए, क्या पता लगता है। नहीं वाकई अच्छा हुआ है, सीता जी भी भाई वैसे ही है। हाँ लेकिन भाई अच्छा हुआ है जो भी हुआ। अब देखो ना एक धनुष पारी एक मतलब क्या है कि बात है, वो थोड़ा सा एक ना एक सीता जी टेंशन में है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि राम जी के बगैर कोई भी नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।